स्वीट बोलते हैं ना, आप कुछ गलत बोलो वो बोलो, जी सर जी सर, विद स्माइल। तो रियली में क्या वो लोग मधुर है क्या, मीठे है क्या? मगर जिसके जीवन में गुरु का प्रवेश हो जाता है, भगवान का प्रवेश हो जाता है, वो मधुर बन जाता है और विनयी बन जाता है और गुण का सागर बन जाता है। हमारे गुजराती में एक भजन है कि सदगुरु सेवे शिष्य ना सुधरा अनविमल बनी नई वाणी रे। ओ ये पुराना तलपति भजन है, सतगुरु सेवे शिष्य ना सुधरा अनविमल बनी नई ए वाणी रे। ओ जी तुक का तो गुरु जी ज्ञान बिना ना के का तो गुरु जी, का तो गुरु जी रे हा के का तो गुरु जी एक ज्ञान बिना ना ने का तो ई प्रामर प्राणी मारा संतो जुनो धर्म लियो जानी रे। ओ जी जुनो धर्म लियो जानी मारा संतो ए जुनो धर्म लियो जानी रे। ओ तो जुना पुराना कौन है? महादेव है, भगवती है, विष्णु है, हनुमान है, गणेश है, सूर्य है। तो यहां कहा तो प्रभु तेरी कृपा होती है, तेरी दया होती है, वो विजयी होता है, वो विनयी होता है और तासु सुजसु त्रैलोक के उजागर, उसकी ख्याति त्रिलोक में व्याप्त होती है, उसकी बड़े बड़े बल्ले बल्ले होती है। सुजस्व होता है, सुजस दो प्रकार का यश होता है। आपको पूरा ये नगर जान जाए ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ? इलेक्शन में खड़े हो जाए। सुजस नहीं, आपको ऐसा अच्छा भगीरथ कार्य कर लो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, भगवान के लिए, तो आपका यश सुयश समाज में सुगंध की तरफ फैल जाएगा, आपको सब लोग जान जाएंगे। और कोई यश फैला रहे तो निकलो 10-20 को सुबह आपके बड़े बड़े फोटो आ जाएंगे पेपर टीवी में आ जाएगा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। वो यश नहीं है, वो अपयश। प्रभु तेरी कृपा होती है तो उसका सुजस फैलता है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफलता आज। आज हमारा जन्म सफल हो गया क्योंकि हमने प्रभु का काम किया। और रही बात ये पवन सुत की, हनुमान की, तो नाथ पवन सुत की नहीं जो करनी, सहसो मुख न जायसो बरनी। हनुमान जी ने जो काम किया है वो सहस्त्र हजारों मुख से भी उसका बखान हम नहीं कर सकते। पवन तने के चरित सुनाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हनुमान जी के पराक्रम की बात करते हैं, सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुनि हनुमान हर्ष जी लाए। हनुमान जी की बात करने लगे तो राम जी ने नजीब बुलाया और भैये से लगाया, कहो तात के ही बात जान की रहती करती रक्षा सुप्राणी। तात ए बेटा मुझे बताइए जानकी कैसी? कहत तात के ही भांति जानकी और अपने प्राण की रहती करती रक्षा स्व प्राण की। अपने प्राणों को बचाकर भगवती कैसे जी रही है हनुमान जी महाराज अभी बताइए, क्योंकि प्रभु राम जानते थे कि मेरे बगैर जानकी जिंदा नहीं रह सकती। मगर भी आप लाए समाचार, चुड़ाव ने लाए शिकार ये है कि जानकी अभी जीवित है तो ये अपने प्राण की रक्षा कैसे करती है? हनुमान जी महाराज अद्भुत बोले,
नाम पाहरु दिवस ध्यान तुमार कपाट लोचन निज पद चंद्रित जाहि प्राण के ही पार चलत मोहि चूला मन बिनि रघुपति हृदय लाई सोई बिनि नाथ जुगल लोचन बरिबा वचन कहे कछ जनक कुमार अनुज समेत करे प्रभु चरण दीन बंधु पन तारति मन क्रम वचन चरण अनुराग के अपराध नाथ हो क्या अवगुण एक मोर में मान किशुरत प्राणन चिन्ह कया नाथ सुनयन न को अपराधा किशुरत कान करई अखिबान मेरा अगनी समीरा श्वास जर छन माही शरीरा नयन प्रवहि जल निज हित लाग जरे न पावु देव बिहरा सीता ते अति भक्ति काल विनहि कहे बल दीन दयाल मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल हनुमान जी महाराज बारे में कहते हैं तो राम ने छाती से लगाकर पूछा कि बेटा सीता कैसी और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। तब हनुमान जी महाराज बोले कि नाम पाहरो दिवस निजी पाहरो अर्थात चौकीदार आपका नाम प्रभु उसकी चौकी करता है। नाम की ताकत भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर के बिना। शब्दों की ताकत नाम का बड़ा महत्व है। राम नाम सुंदर करतारी संशय बिहत उड़ाव नहा भाव कुभाव आलस अनगहो नाम जपत मंगल निश्चित सुन। जो नाम महाराज का आश्रय कर लेता है उसको कोई हैरान नहीं कर सकता। भगवती अकेले थी मगर उन्होंने शस्त्र बनाया नाम का आश्रय किया राम राम राम। तो प्रभु आपका नाम उसकी रक्षा करता है पहरेदार है। ध्यान तुम्हार कपाट उस चक्र का उस अभेद्य किला जो नाम रूपी किला बनाया उसका कबाड़ क्या है आपका ध्यान वो उनके कबाट है दरवाजे है। लोचन निजपद जंत्रित अपनी आंखों को दृष्टि को निजपद खुद के पैरों में लगाए रखे वो दृष्टि है वो उसका ताला है। अद्भुत बोले और जाई प्राण के ही बात आपके नाम रूपी किले ने भगवती को बचा के रखा है। आंख रूपी कबाड़ खुले है मगर उसकी चाबी रूपी दृष्टि है वो आपके चरण में है उनके चरणों में है। प्राण जाए तो जहां जाएगा जाही प्राण के ही बात कौन सा मार्ग बचता है जिस रखवाली आपका नाम करता है वो कभी मर नहीं सकता। अद्भुत दोहाई। मेरे पास कुछ संदर्भ नहीं है सिर्फ चौपड़ी है चौपाई की सुंदरकांड की तो मैं अपने तर्क से कर रहा हूं। कई बार मैं ज्यादा प्रभावित हूं या तो ज्यादा भावुक भी हो सकता हूं मगर पहाड़ों का अर्थ है चौकीदार और प्रभु के सामने आकर चुड़ामणि राम के हाथ में दी थी। प्रभु मैं जब निकला तब भगवती ने मुझे दी है भगवती की चुड़ामणि को देखकर प्रभु राजी अपने हृदय से लगाया सीता की अनुभूति की। कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है तो हम हमारा बच्चा आता है उसको क्या करते हैं हृदय से लगाया। ऐसे
भगवती सीता की अनुभूति करते हुए प्रभु राम ने हृदय से लगाई, नाथ जुगल लोचन परिवानी बचन कहे कछु जनक कुमार। प्रभु ये चुड़ामणी लाया हूं, मगर जनक कुमारी ने रोते रोते कुछ वचन कहा। अपनी आंखों में अश्रु की धारा के साथ प्रभु उन्होंने कुछ वचन किए हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। प्रभु राम जी गंभीर हो गए, तो भगवती मन मन क्षमा कर, मुझे क्षमा करना है। ऐसे भाव के साथ भगवान राम सीता के वचन हनुमान के मुख से सुनते हैं। प्रभु आपको और छोटे भाई लक्ष्मण को सीता अम्मा ने नमस्कार किया। अनुज समेत गए रूप चरणा दीन बंधु प्रणदार की हनुमान। प्रभु को याद दिलाना आप दीन बंधु है, दुखी के बंधु है, तुम ही हो बंधु सखा, दीन के बंधु है। भगवान हमारा भ्राता है, भाई है, मगर किसका भाई है? जो दुखी है उनका पहले। मन क्रमत वचन चरण अनुरागी। भगवान को इतना बोलना कि प्रभु मैं आपकी मन क्रम और वचन से आपका अनुराग करने वाली, आपकी सेविका, आपकी दासी, आपकी पत्नी हूं, तो फिर प्रभु आपने मुझे किस अपराध त्याग दिया? आप चाहे तो दूसरी सेकंड मुझे ले जा सकते थे, मगर आपने मेरा त्याग क्यों किया? कहीं अपराध नाथ हो त्याग। प्रभु मगर मेरा भी गुनाह है कि आपका त्याग हुआ, आपका वियोग हुआ, फिर भी मैं जिंदा हूं, मुझे मर जाना चाहिए कि प्रभु के बगैर का जीना क्या जीना? अवगुण एक मोर में माना, प्रभु में मेरा अवगुण का स्वीकार करती हूं, मानती हूं। बिछड़त प्राण किन्ह प्रया, आपसे बिछड़ने के बाद भी मैं जिंदा हूं, ये मेरा अपराध है। नाथ सुनयन को अपराधा, निश्रत प्राण कर रही पति बाधा। मगर प्रभु मेरी आंख ने मुझे परेशान करके रखा है, उन्होंने जिद पकड़ लिए कि मुझे प्रभु राम को देखना है। वो मेरी आंख मुझे प्राण निकलने नहीं देती है, उनकी इच्छा है कि आपका दर्शन कर लो। बिरह अगन तर तूर समीरा, अनेक प्रकार से मैं दुखी हूं, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं। मेरी जो विरह अग्नि है वो इतनी प्रज्वलित है, मगर प्रभु मेरे लोचन से, मेरी आंखों से आपके वियोग में जो पानी बहता है, नयन स्रवही जरूर नीचे ही चला। वो आंख का स्वार्थ है कि मुझे देखना है, तो वो अग्नि को बुझा देता है। आंखों की अश्रु मेरी विरह अग्नि को बुझा देते हैं। प्रभु सीता के अति विपति विशाला, बिना ही कहे परि दीन दया। सीता जी की बड़ी विपत्ति है, हे दीन दयाल आप कुछ करिए। और सीता जी का निमिष वो काल की गणना का एक अंग है। निमिष अर्थात हम मटका मांगे कॉन्स्टेंट देखते हैं, मगर उसमें भी एक बार वो वाइपर चलता है, गाड़ी का वाइपर होता है, हाँ पानी के साथ स्लाइड जेल होता है, इसमें अपनी गाड़ी में वाइपर चला देना, पानी का फुब्बारा लगता है, वाइपर चलता है, ऐसे लिक्विड जेल क्रिएट होता है और वाइपर चलता है ताकि हमको सही दिखाई दे। हरि की रचना अद्भुत है। राम ने अजब रचना रे नो पार मनुष्य के पावे। ये राम की अजब रचना साहब, ये वाइपर का सिद्धांत कहां से है कि कैसे पानी ला के उसको चोखा रख सकते हैं? या आंख से कथा ज्यादा करनी चाहते
आगे चलते हैं। बीच में से कथा बहुत सी करते हैं। तो निमिष निमिष करुणा निधि जाय कलप संधि। हमने गाली एक बाकी एक कहावत है साहब, अब तो जैसा और जिसका संग होगा ना वैसा आपको रंग आएगा। एक बार मैं महात्मा के घर 3 दिन रुका था तो अस्त्री किए हुए कपड़े पहनने की इच्छा नहीं होती थी क्योंकि वो खुद ऐसे ही बैठते थे जो भी गमछा डाल दिया। तो फिर मैं बोला अस्त्री टाइप पहन तो मैंने भी पूरा ना पहनना शुरू कर दिया क्योंकि संग का प्रभाव होता है। और शास्त्रकार कहते हैं कि संगात संजायते कामना, जैसा संग वैसा रत्न।